Hi everyone, this is Ashish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hello everyone, now we are going to do exercise C of chapter adjective, class 6, grade 1 with grammar. तो हम एक्सरसाइज सी करने जा रहे हैं. मैं आपको इसको एलैबोरेट करता हूँ. एन एडजेक्टिव कैन ऑफन रिप्लेस मैनी वर्ड्स इन अ सेंटेंस. एक एडजेक्टिव बहुत सारे वर्ड्स को रिप्लेस कर सकता है एक सेंटेंस के अंदर. यूज़ द एडजेक्टिव्स इन द बॉक्स. बॉक्स में जो एडजेक्टिव है आप देख सकते हैं, एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है और बहुत सारे एडजेक्टिव लिखे हुए हैं. तो यूज़ द एडजेक्टिव्स इन द बॉक्स टू मेक थ्री वर्ड फ्रेजेस. थ्री वर्ड फ्रेजेस बनानी है हमको. पहला यहाँ पे जैसा बना हुआ है अभी मैं इसको आपको डिस्क्राइब करूँगा विद द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग. यानी जो हमारे वर्ड्स का मतलब है उन्हीं वर्ड्स के मतलब को लेते हुए हमें थ्री वर्ड फ्रेजेस बनानी है. तीन वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उसमें. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा किया गया है. सबसे पहले हम पहला वाला ले लेते हैं. अ स्काई विच हैज़ नो क्लाउड्स. एक ऐसा स्काई, देखिए ए हमारा आर्टिकल है और स्काई हमारा क्या है, नाउन. बाकी जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ये वर्ड्स को रिप्लेस करके हमें एक ऐसा एडजेक्टिव प्रिपेयर करना है जो आर्टिकल के और नाउन के बीच में आ जाएगा. हर बार ऐसा ही करना है. आप इसको प्रिपेयर रखिएगा, ध्यान रखिएगा. अ स्काई, एक ऐसा आसमान विच हैज़ नो क्लाउड्स, जिसमें बादल ना हो, जिसमें क्लाउड्स ना हो, तो उसको बोलते हैं क्लाउडलेस. तो यहाँ हमारा आंसर आ गया एक क्लाउडलेस स्काई. आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर क्लाउडलेस वर्ड आपको साफ दिखाई दे रहा है. सेकेंड नंबर पे चलते हैं. द सिरप, यानी ऐसा सिरप विच हैज़ द कलर ऑफ गोल्ड. तो आप जब इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा गोल्डन. जिसका कलर गोल्ड जैसा होता है हम उसको गोल्डन बुलाते हैं. तो वो सिरप कैसा हो गया, द गोल्डन सिरप. नंबर थ्री देखिए. अ पाथ, यानी एक रास्ता कवर्ड विद मैनी लूज स्टोन्स, जहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हों, फिक्स ना हों, लूज स्टोन यानी ऐसे ही डाल दिए गए हों, किसी ने ऐसे ही डाल दिया. तो आप इस हेल्प बॉक्स में देखेंगे तो आपको एक वर्ड समझ में आएगा, स्टोनी. स्टोन से बना है, स्टोनी यानी कि पत्थरों से भरा हुआ. तो कैसा पाथ हो जाएगा वो, ए स्टोनी पाथ. नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर है. अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु टेक्स ग्रेट केयर, जो बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाला हो, उस पर्सन को हम क्या बुलाएंगे. जब हेल्प बॉक्स में आप देखोगे तो एक वर्ड मिलेगा केयरफुल. तो वो पर्सन कैसा हो जाएगा, आ केयरफुल पर्सन. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे आते हैं. द वेदर वी यूजुअली गेट इन विंटर. तो कैसा वेदर, वी यूजुअली गेट इन विंटर, जो हमको सर्दियों में मिलता है ऐसा वेदर. तो उस वेदर को हम क्या बोलेंगे, हेल्प बॉक्स में एक वर्ड मिलेगा आपको विंटरी. तो वो वेदर कैसा हो जाएगा, द विंटरी वेदर. नेक्स्ट पे चलते हैं. सिक्स नंबर आप देखिएगा. अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन एबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज़ वेल, जो अपनी सारी ड्यूटीज़ को अच्छे से करता है, ऐसे पर्सन को हम क्या बुलाते हैं. हेल्प बॉक्स में अब आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा एक वर्ड एफिशिएंट. तो वो पर्सन कैसा हो जाएगा, एन एफिशिएंट पर्सन. सेवेंथ नंबर में. अ क्लाउड, एक ऐसा क्लाउड विच लुक्स एज इफ इट इज़ ऑन फायर, ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो आग लगी हुई है, बहुत भयानक सा दिख रहा है, तो उसको हम कैसा क्लाउड बुलाएंगे, आ फायरी क्लाउड. ये भी आपको हेल्प बॉक्स में वर्ड मिल जाएगा. एट नंबर देखिएगा. अ मैन, एक ऐसा आदमी हु इज़ इन द हैबिट ऑफ वेस्टिंग मनी, जिसके अंदर पैसे को बर्बाद करने की आदत सी पड़ी हुई है. तो ऐसे आदमी को हम क्या बुलाएंगे, एक्स्ट्रा वेजेंट. ये वर्ड आपको मिल जाएगा उसमें हेल्प बॉक्स में. तो वो आदमी कैसा हो जाएगा, एन एक्स्ट्रा वेजेंट मैन, यानी एक खर्चीला आदमी. एक्स्ट्रावेजेंट माने होता है एक ऐसा आदमी जो अपने पैसे को खर्चा करता है, बिना ज़रूरत के भी खर्चा करता है, मतलब ऐसे ही करता रहता है. नाइन्थ नंबर देखिए. अ पर्सन हु इज़ केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी. तो अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज़ केयरफुल, जो बहुत ही सावधान है इन स्पेंडिंग मनी, अपने पैसे को खर्च करने में, ऐसे पर्सन को हम क्या बुलाते हैं. जब आप हेल्प बॉक्स में देखेंगे तो एक वर्ड मिलेगा आपको इकोनॉमिकल. तो वो पर्सन कैसा हो जाएगा, इकोनॉमिकल, एन इकोनॉमिकल पर्सन. टेंथ नंबर देखेंगे. या रिप्लाई शोइंग कर्टसी
on one's part. A reply showing courtesy. Courtesy माने भी विनम्रता होता है. तो कोई रिप्लाई जो बहुत आराम से दिया गया है, किसी ने बहुत ही आराम से दिया है, आपको खुशी खुशी दिया है, उसको हम क्या बुलाएंगे? Courteous. A courteous reply, यानी एक विनम्रतापूर्ण जवाब. इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर एक्सरसाइज. सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज एवरी डे 7:30 PM यू विल गेट अ न्यू वीडियो. बाय.